फाइनली जहाँ मुझे आना था मैं आ गया हूँ। ये है वो शिव मंदिर जहाँ मुझे आप लोगों को दर्शन कराने थे, और चलो आज फाइनली मैं दर्शन करा ही देता हूँ मानूंगा नहीं, क्योंकि मेरा खुद दिल नहीं मानता है। मैं खुद यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहता था। ये देखो बाहर इतनी सारी चप्पलें पड़ी हुई हैं। हमारे ये दो जो भाई हैं ना, ये खो गए थे, अभी रास्ता भूल गए थे। ये सलमान खान और शाहरुख खान दोनों के दोनों रास्ता भूल गए थे, और हम थोड़ा 5 मिनट पहले आ गए थे, इनका वेट कर रहे थे कि चलो ये कब आते हैं। तब हम लोग अंदर जाते हैं, तो चलो फाइनली पूरा मंदिर है। गुरुजी वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। उन्हें नहीं पता है कि मैं भाइयों को दर्शन करा रहा हूँ। ये छोटी सी शिवलिंग है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो यहाँ पे दुर्गा माता भी हैं, उनकी भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी पूजा में लगे हुए हैं, और हम उनकी पूजा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो यहाँ से ही बस। बच्चा गिर गया बेचारा, भगवान के साथ बातें कर ही लेते हैं। ये पूरा यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा शिवलिंग है, और हमसे पहले तो दर्शन करने ये आ गए हमारे मित्र। हेलो हेलो हेलो, ये पाजी बैठे हैं, बोल रहे हैं अंदर नहीं जाने देंगे तुमको। अरे भाई जाने दो यार, बड़ी दूर से आए हैं मिन्नत करके। चलो आप लोगों के साथ हमारा भी यहाँ पे हुआ है आगमन। संकट जी के साथ एक ब्लॉग मेरा हो रहा है, और ये हमारे भाई हैं जो ये भी ब्लॉग बनाते हैं। मैंने अभी आपको एक पहले के लिए मैं बताया था कि इनका भी एक ब्लॉग आता है। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड हो गई होगी क्योंकि ये अंदर के अंदर हूँ तो आवाज़ ज़्यादा है। लिंक साइड तो सबके लिए होने चाहिए। जैनों गुफा है कहाँ भाई? यहाँ भी गुफा है। चलो ये भी दिखाएंगे, जब आए हैं तो गुफा दिखाएंगे। अरे गौशाला और है। अरे गौशाला भी दिखाएंगे यार, गायों से भी मिलवाएंगे, सबको दिखाएंगे। वेट करो, सब मिलेगा। आप लोगों को लिए चलते हैं यहाँ की गौशाला में। ये एक मतलब अच्छी खासी गौशाला बना रखी है। एक गाय हमारे सामने बैठी है, और दूसरी भी मतलब फाइनली मेरे भाई ने गेट भी खोल दिया। अभी 3 है, वैसे ये पूरा भरा रहता है, लेकिन अभी सिर्फ 3 है। शायद चरने वरने गई होंगी तो। और यहाँ पे है हवन कुंड, चलो वहाँ भी ले चलते हैं। उन्होंने अच्छी खासी मित्रता कर रखी है। हाँ यार, यहाँ हवन होता है, एक नहीं 4 है ना, हाँ 5 मतलब 5 हैं। अभी तो कोई मतलब यहाँ हो नहीं रहा है, तो भूस भरा हुआ है, लेकिन फाइनली यहाँ पे हवन होता है। ये देखो इनका आकार, देखो आकार, देखो मतलब हर एक कुंड का आकार एक नया है, सबको एक नया आकार दिया गया है। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, एक नया लुक नया डिजाइन क्यों दिया। वहां पे बैठे हमारे बजरंगबली, और हमारे भाई ने बोला है दोनों लोग बैठे हैं, मतलब भगवान के साथ। मेरे भाई बता रहा है, तो आप क्या हैं ये? नर और नीर, ये दोनों लोग हैं, और ये साथ में है शायद हनुमान जी बजरंगबली हैं, और ये राम जी हैं, और ये लक्ष्मण जी, और यहाँ सीता मैया। तो चलो दर्शन करो एक छोटे से। ये हैं श्री श्री रामलला महाराज, जिन्होंने यहाँ पे आके समाधि ली थी। यहीं गांव के हैं और यहाँ समाधि ली थी, तो इनका यहाँ पे मतलब शिवलिंग बनाया गया है। यहाँ पे नरसिंह भगवान हैं, जिन्होंने सुना जाता है कि सीना वीना किसी का फाड़ा था। अब आप लोगों को पता होगा नरसिंह भगवान है, तो अभी वो बंद है, हम खोलेंगे नहीं क्योंकि मंदिर अभी चालू नहीं है। बस नवरात्रि के लिए यहाँ पे हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं,
तो उनका यहाँ पे झोल माल लगा हुआ है, तो हम मंदिर के साथ हम जहाँ आए थे, मुझे धीरे धीरे कुछ नया पता चल रहा है। ये मंदिर तो है ही, लेकिन शिव जी का ये सब कुछ है, ये जगह जितना है ये शिव जी के ही नाम पे रजिस्ट्रेशन है। और ये जितने भी खेत दिख रहे हैं ना आपको, जहाँ तक मेरी उंगली जा रही है और नजर पहुंच रही है, मजाक नहीं है, ये सच है। अभी गुरु जी ने बताया कि ये सब कुछ मंदिर के नाम है और यहाँ पे मंदिर के लिए ही होता है, जो यहाँ से होता है वो प्रसाद बन के तो लोगों को खिलाया जाता है। और उसी के पास में ये सरकारी स्कूल जिसमें बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनको भी गुरु जी ने ही बनवाया है, ऐसे है सरकारी। ये है हमारी आज की टीम, 5 लोग हैं। हमारे एक जो राजा भैया हैं वो, उनका काम स्पेशल है, वो हमेशा अच्छा काम करते हैं। उनका क्या है, वो गेस्ट हाउस भी बनवा रखा है भाई ने, फ्री चलाते हैं, आ जाना कभी फ्री चलाते हैं सिर्फ भाइयों के लिए। तो सपोर्ट करो, और मेला भी लगवाते हैं, रामलीला का मेला लगवाते हैं, आइएगा। निवास लगती है पूरी हमारे कुसमरा में, जिनके इंचार्ज हैं ये, और मैच भी कराते हैं KPL। इस बार सीजन आ रहा है 4 सीजन 5, 5 साल हो गए हैं, मतलब सीजन 5 आ रहा है। और मैं सोचूंगा इस बार मैं भी टीम लूँ, मैंने पहले ही कह दिया भैया से, मुझे माफ करना, लेकिन इनके चैनल को भी सपोर्ट करना। आपका ही प्यार डिस्क्रिप्शन मिलेगी, आपका ही प्यार है जो हमें यहाँ तक लाता है, इस मंदिर तक भी लेके आया है और आगे भी बहुत आगे ले जाएगा। तो चलते हैं फिर, थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं और फिर पहुँचते घर, वहाँ वीडियो का करेंगे एंड। तो यहीं रहिए, कहीं जाएंगे नहीं। सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अभी भाई को चाहिए ग्रोथ, वो आप दिलाओगे। और अगर आप चाहो कि मैं भगवान के ही दर्शन कराऊं, तो हमेशा भगवान के दर्शन कराऊंगा, कमेंट में बताना क्या कराऊं। तो आए हैं हम भोलेनाथ के लिए, क्योंकि हम भोलेनाथ के बहुत बड़े दीवाने हैं। और अभी अभी मैं भोलेनाथ की कांवर लेके गया था और मेरा 3 कांवर हो चुका है, और अब की बार जो कांवर जाएगा उसमें ब्लॉग के साथ जाएगा, वो ब्लॉग में भी आएगा और मैं दिखाऊंगा सब कुछ। थोड़ी हवा आ रही होगी, हल्की सी नॉइज़ कट रही होगी, तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द भाई माइक भी ले लेगा। अभी माइक नहीं लिया, अभी तो बिना माइक के चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इतना है। तो मिलते हैं फिर किसी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भोले की।